जय श्री राम सभी भक्तों को। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है नाम जप अपने आप न चाहते हुए भी निरंतर चलेगा अगर ऐसे अभ्यास कर लिया तो। प्रेमी साधकों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निरंतर नाम जप के लिए ही बोला गया है। संत कह रहे हैं कि निरंतर नाम जप के अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें जिस कार्य से बाधा आती हो उसे ही छोड़ देना उचित है। परम हर्ष और प्रेम से नित्य निरंतर नाम जप होता रहे तो फिर भगवत दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। देख लो कितना कहा गया है, भजन का प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए कि जिसमें शरीर का भी ज्ञान ना रहे। भगवान स्वयं आकर पधार कर चेत कराएं तो भी सुतिक्षण की भांति प्रेम समाधि ना टूटे, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। अब मेन जो प्रश्न है कि निरंतर भजन कैसे अभ्यास से होगा। देखिए बहुत ही सरल सुगम तरीका हमारे संतों ने बताया है, ध्यान से सुनिएगा। श्रवण इंद्री हमारे शब्दों के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि हमारी वाक इंद्री पर आपकी श्रवण इंद्री होनी चाहिए। नानक जी कह रहे उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद भये तिनके सब काम। जो व्यक्ति ये अभ्यास कर लेता है कि उठते बैठते सोते जागते चार समय नाम का ध्यान कर लेता है तो उसके सभी काम बनते हैं और उसका भजन न चाहते हुए भी फिर निरंतर चलने लगता है पूरा दिन 24 घंटे। अब देखो नाम के लिए बोला है, अब ये जितने भी भगवान के नाम हैं ये सब तो गुणवाचक हैं, लेकिन जो परमात्मा का सच्चा नाम है उसका ध्यान किया जाता है। और उस नाम का ध्यान कैसे करोगे, निरंतर के लिए बोला है, निरंतर चलेगा, चार समय कर लिया तो निरंतर क्या चीज़ है हमारे शरीर में, क्योंकि निरंतर से ही निरंतर किया जा सकता है। तो हमारे शरीर में निरंतर है हमारी सांस, तो सांस में वो नाम है। तो आप चार बार अभ्यास करो, आप मान लो बैठ रहे हो, बैठते ही मन से श्वास को देखो कि श्वास अंदर गई और बाहर आई, और मन में बोलो प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, क्योंकि ये सांस ही स्थूल रूप से भगवान का वो नाम है जिसका ध्यान किया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, स्थूल रूप से है, स्थूल से जुड़ोगे तो अति सूक्ष्म तक पहुंच जाओगे। अब एक बार सांस का ध्यान कर लिया और प्रभु की जय बोल दी तो आप उससे जुड़ गए हो और आप बैठ जाओ। अब 10 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, 4 घंटे बैठो, जितनी देर बैठे रहोगे आपका नाम जप न चाहते हुए भी निरंतर चलेगा। जैसे ही खड़े होते ही फिर एक बार मन से श्वास का ध्यान कर लिया और प्रभु तेरी जय हो, बस 1 घंटा खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो, जितनी देर खड़े होगे उतनी देर न चाहते हुए भी निरंतर नाम जप चलेगा। यह हुई 2 समय की बात। फिर आता है सोवत जागत, बेड पर लेटो, दिन में कितनी ही बार लेटो, लेटते ही मन से श्वास का ध्यान प्रभु तेरी जय हो। फिर बेड से उठने लगो फिर प्रभु तेरी जय हो, फिर उठ करके माने पहले तो बेड से बैठेगा फिर खड़ा होगा, फिर खड़े होते ही प्रभु तेरी जय हो। अब सोना और जागना तो फिर भी कम होता है, लेकिन उठना और बैठना तो दिन में पता नहीं 100 बार, 200, 300 बार, कितनी बार होता है। तो आपने ये अभ्यास कर लिया 4 समय का तो आप न चाहोगे तो भी अपने आप आपका नाम भजन खो रहा है, भूल जाओ, याद ना आए तो बैठने के 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड भी बाद याद आ जाए तो भी ध्यान कर लो। बस एक तो ये अभ्यास करना है 4 बार का। दूसरा अभ्यास आपको तमो गुणी से बचना है, जिन व्यक्तियों में तमोगुण है यानी कि जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, जो चोरी करते हैं, जारी करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, जो प्याज लहसुन मीट मांस दारू शराब नशे करते हैं, उनसे दूर रहना है और खुद भी तमोगुण से बचना है, तमोगुणी भोजन नहीं खाने हैं,
तो आपका नाम जप निरंतर अपने आप चलेगा न चाहते हुए भी। अब आप कहोगे कैसे बच्चे हमारे तो घर में ही शराब पीते हैं, घर में ही नास्तिक है, तो देखो उनसे आप न चाहते हुए दूर नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करें कि उनसे कम से कम आँख मिलाएँ, कम से कम उनके संपर्क में आएँ। कोशिश करोगे तो कुछ तो लाभ होगा, ना से तो बढ़िया ही होगा, जो पहले इतना ज़्यादा घुले मिले हुए थे तो आपको लाभ होगा। क्योंकि संत कह रहे हैं तजो मन हरिवे मखुण को संग, जिनके संग से कुमत उपजत है पड़त भजन में भंग। तजो मन हरिवे मखुण को संग, उन लोगों का संग त्याग दो जो हरि से विमुख हैं, जो तमोगुणी हैं, जो आपके भजन में बाधा डाल रहे, तो आपका भजन अपने आप ही बढ़ने लगेगा। और तीसरी बात है आप निरंतर सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग सुनना मस्ट है, मस्ट बहुत जरूरी है। बिना श्रवण भक्ति के कोई भी निरंतर भजन कर नहीं सकता। भजन करना है निरंतर तो सत्संग सुने, प्रवचन सुने, संतों की वाणियाँ सुने, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। यदि आप इस तरह का अभ्यास करोगे तो निरंतर ना चाहते हुए भी आपका नाम जप 24 घंटे चलेगा चलेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक ही विनम्र प्रार्थना है, अपने जीवन में उतारें और औरों के पास शेयर करें। नानक जी कहते हैं आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। बिना कुछ करे ही मुक्ति मिल जाएगी, खुद जपो और औरों को भी जपाओ। ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। आपका काम है शेयर करना, अगले के भाग्य में होगा तो क्लिक कर लेगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं YouTube पर, वहाँ पूछ सकते हो। और यदि आपकी कोई ऐसी समस्या YouTube पर नहीं बता सकते तो अभी की सुविधा के लिए WhatsApp नंबर दिया गया है 9958515054। और आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, जो आने में असमर्थ है, बहुत दूर हैं, तो वीडियो कॉल से गुरु दीक्षा लें और अपनी भक्ति को शुरू करें और परमात्मा को इसी जन्म में पाएं। और यदि आप हमसे मिलना चाहते हो, डायरेक्ट आके साधना सीखना चाहते हो, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, तो उसका फल अमोघ है, दर्शनों का अमोघ। तो 23 जून को दिल्ली में आगामी शिविर है, तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करें कि हम आकर मिलना चाहते हैं। मैसेज नहीं करोगे तो बुलाया नहीं जाएगा, लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं। और रजिस्ट्रेशन से लेकर सत्संग, साधना, गुरु दीक्षा, भंडारा सब कुछ निःशुल्क होता है। आप आइए और आनंद लीजिए और अपने जीवन को बदलिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका निरंतर हर श्वास में नाम जप चले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।